जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 24 दिन बाद डॉक्टर स्ट्रेंज का सेकंड पार्ट यानी डॉक्टर स्ट्रेंज दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज होने वाली है। इस मूवी को देखने से पहले कौन कौन सी मूवीज और वेब सीरीज देखना कंपलसरी है ये मैं अपनी इस वीडियो में बता चुका हूँ, जिसकी लिंक ऊपर शो हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। उसी लिस्ट में से फर्स्ट मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज का फर्स्ट पार्ट, जो कि 2016 में आया था। इसलिए अगर आप मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखना चाहते हैं तो पहले इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को देख लें, जिससे आप नेक्स्ट पार्ट से बेहतर कनेक्ट हो पाएंगे। चलिए फिर ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन को। मूवी स्टार्ट होती है, कुछ शख्स एक लाइब्रेरी से किसी बुक को चुराने आए हैं, पर वहाँ हुड पहना एक शख्स उनके सामने आ जाता है और फिर उनके पीछे पड़ जाता है। इस दौरान वो शख्स हमें रियल दुनिया से खेलता हुआ दिखाया जाता है, मतलब किसी भी चीज को कैसे भी घुमा देना जिससे भागने वाले लोगों को पकड़ा जा सके। इधर दिखाते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज ऑपरेशन करने के लिए तैयार है और वो वहाँ के बेस्ट सर्जन है। उन्हें अपनी एबिलिटी पर इतना घमंड है कि वो अपने आगे किसी को नहीं देखते। ऑपरेशन करते वक्त उन्हें घड़ी की टिक टिक भी पसंद नहीं, फुल साइलेंस होना चाहिए जिससे उन्हें कोई डिस्ट्रेक्शन ना हो। वहाँ उनकी एक कलीग थी जिसका नाम डॉक्टर क्रिस्टीन पार्मर था। वैसे तो वो डॉक्टर स्टीफन को पसंद करती है, पर उन्हें स्टीफन का ईगो पसंद नहीं आता और इसी वजह से डॉक्टर पार्मर डॉक्टर स्टीफन के साथ एक पार्टी में जाने से मना कर देती हैं। पर डॉक्टर जब उस पार्टी में जा रहे होते हैं तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इस वजह से उन्हें सीरियस इंजरी होती है। कुछ दिनों बाद उन्हें थोड़ा होश आता है तो पता चलता है उनकी फिंगर्स अब डैमेज हो चुकी हैं। वो एक नॉर्मल इंसान की फिंगर की तरह भी मुश्किल से काम करेंगी, एक सर्जन की तरह तो छोड़ दो। अपनी फिंगर्स को ठीक करने के चक्कर में स्टीफन जगह जगह भटकता है और अपना पैसा बर्बाद करता रहता है, पर कोई रिजल्ट नहीं निकलता। फिर स्टीफन को पता चलता है कि एक न्यूरोलॉजिस्ट है जिसने एक पैरालिसिस इंसान को 3 दिन में ठीक कर दिया था, पर उसका इलाज बहुत महंगा था और डॉक्टर के पास अब इतने रुपए भी नहीं बचे थे। फिर नाइट में क्रिस्टीफन स्टीफन से मिलने आती है और कहती है मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, पर स्टीफन उसे चिल्लाकर वहाँ से जाने को कहता है और नेक्स्ट डे वो शख्स से मिलने जाता है जो 3 दिन में ठीक हुआ था। तब वो शख्स बताता है वो जहाँ गया था वहाँ पहुँचना आसान नहीं है, वहाँ एक लेडी है जो सबकी गुरु है और उसी ने मुझे ठीक किया था। फिर स्टीफन पहुँचता है काठमांडू नेपाल, वहाँ वो उसी हुड वाले शख्स से मिलता है। वो एक लेडी थी और सबकी गुरु भी, जिसका नाम तो पता नहीं पर उसको उपाधि मिली है एशियंट वन की और हम उसे गुरुमा कहेंगे। स्टीफन के कुछ बताने से पहले ही गुरुमा उससे कहती है तुम्हें ये तो पता ही होगा कि जो भी घाव या चोट हमें लगती है उन्हें हमारी बॉडी वक्त के साथ खुद रिकवर करती जाती है। स्टीफन कहता है हाँ। गुरुमा कहती है अगर मैं कहूँ ये गलत है, ये जो भी कुछ होता है वो हमारे सोल की वजह से होता है ना कि बॉडी की वजह से। तो स्टीफन कहता है मेरे पास जो भी पैसा था वो मैंने यहाँ आने में खर्च कर दिया और मुझे ये बकवास सुनने मिल रही है। तभी गुरुमा स्टीफन की सोल को उसकी बॉडी से अलग कर देती है और फिर वापस उसे पहले जैसा कर देती है, जिससे स्टीफन को समझ आता है हाँ सच में सोल होती है और सोल के बिन बॉडी कुछ भी नहीं। फिर गुरुमा स्टीफन के फोरहेड के सेंटर को टच करती है और उसके ऐसा करते ही स्टीफन डिफरेंट डायमेंशंस मल्टीवर्स के थ्रू घूमने लगता है और यहाँ वो बिना किसी स्पेस यान के स्पेस तक चला जाता है, मल्टीवर्स घूमाता है। तब उसे पता चलता है कि असल में जिस दुनिया को वो जानता है वो कुछ भी नहीं है, हकीकत में और भी ऐसे कई यूनिवर्स हैं और यही डिफरेंट यूनिवर्सेस अब हमें देखने मिलेंगे। देन गुरुमा स्टीफन को सिखाने से मना कर देती है। तब मोर्डो गुरुमा से कहता है जरूरी नहीं ये भी उसकी तरह बने और आपको धोखा दे, ये घमंडी जरूर है पर बुरा नहीं है। दरअसल यहाँ बात हो रही थी काइसिलियस की, जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया था। दरअसल वो गुरुमा का शिष्य रह चुका है और जब उसे पता चला कि इस दुनिया में बहुत सारी पावर छुपी हैं, बस हमें ये पता करना है कि उस पावर को यूज कैसे करें, इसलिए काइसिलियस लाइब्रेरी से बुक को चुराने आया था। फिर गुरुमा स्टीफन को सिखाना स्टार्ट करती है और अब डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज से डॉक्टर स्ट्रेंज बनने तक का सफर शुरू हो चुका था। डॉक्टर के सीखने की प्रोसेस काफी स्लो थी, वो गुरुमा और बाकी लोगों की तरह वर्महोल ओपन नहीं कर पा रहा था जिससे ये लोग एक झटके में कहीं भी आ जा सकते थे। पर फिर गुरुमा स्टीफन को एक वर्महोल के थ्रू एवरेस्ट पर ले जाती है और कहती है यहाँ से अगर तुम आधे घंटे वापस नहीं आए तो तुम यहीं मर जाओगे, और फिर वहाँ से वापस आ जाती है। स्टीफन काफी कोशिश करता है पर उससे नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर कुछ देर बाद स्टीफन वर्महोल क्रिएट करता है और फिर गुरुमा की जगह जिसका नाम कमरताज है वहाँ आ जाता है। अब हम इन्हें स्टीफन नहीं डॉक्टर कहेंगे,
डॉक्टर को शुरू से ही बुक पढ़ने का काफी शौक था और वो कमरताज की लाइब्रेरी से अलग अलग बुक पढ़ते रहते थे और अपनी पावर्स यूज करना सीख रहे थे। वहाँ का लाइब्रेरियन वोंग है। डॉक्टर जब वोंग से एक बुक की मांग करते हैं कि टाइम पर बेच थी, तो वोंग उनसे मना कर देता है। पर वोंग जिस भी बुक की डॉक्टर से मना करता था, डॉक्टर उसे वॉर्म होल के थ्रू चुरा लेते थे। और अब डॉक्टर के सीखने की स्पीड बढ़ चुकी थी और बुक्स भी अब उनकी सोल पढ़ती थी, ना कि वो खुद। वो अपनी बॉडी को रिलैक्स देते थे। देन एक दिन गुरु माँ डॉक्टर को मिरर डायमेंशन में लेकर जाती है, जहाँ की दुनिया बिल्कुल अपनी दुनिया जैसी दिखती है, पर हम इसे किसी भी तरह तोड़ मरोड़ सकते हैं, यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, जिसका रियल दुनिया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे वो स्टार्टिंग में कर रही थी। फिर एक दिन डॉक्टर के मन में ये सवाल आता है कि उस बुक में ऐसा क्या था जिसे काइसिलिया चुराना चाहता था, और गुरुमा भी उसे रोकने के लिए इतनी बेताब थी। तो डॉक्टर चुपके से लाइब्रेरी जाकर उस बुक को पढ़ने लगता है, जिसके कुछ पेज फटे हुए थे। उसमें एक साइन बना था जो कि आई ऑफ एगोमेटो का था, और वहाँ वो आई रखी हुई थी। डॉक्टर उसे एज अ नेकलेस गले में पहन लेते हैं और फिर उस बुक में लिखे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगते हैं, जिस वजह से आई ऑफ एगोमेटो ओपन होती है और फिर हमें देखने मिलता है टाइम स्टोन। वो आई ऑफ एगोमोटो इस यूनिवर्स के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक को होल्ड की हुई थी। डॉक्टर उस टाइम स्टोन की हेल्प से बुक्स के खोए हुए पेज वापस लाने लगते हैं और फिर खाए हुए एप्पल को वापस पहले जैसा कर देते हैं। तभी मोर्डो और बोंग आ जाते हैं और डॉक्टर को ऐसा करने से रोकते हैं। मोर्डो कहता है, तुम टाइम के साथ क्यों खेल रहे हो, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर कहता है, यहाँ इतने सारे गेट क्यों बने हैं और इस बुक में ऐसा क्या है जो इसे छुपा कर रखा जाता है। बोंग बताता है, ये गेट हमारी रक्षा के लिए है, क्योंकि इनके थ्रू हमारे दुश्मन हम पर अटैक कर सकते हैं, और मिरर डायमेंशन की तरह ही एक डार्क डायमेंशन है जिसका वासा है डोरमामू, और वो अर्थ को अपने कंट्रोल में करना चाहता है, पर हम इन्हीं गेट्स की वजह से बचे हुए हैं। इस बुक में ऐसे स्पेल हैं जो ये गेट खोल सकते हैं। तभी डॉक्टर सोचते हैं कि उन्होंने ये स्पेल पढ़े थे, और तभी एक गेट से वहाँ काइसिलियस आ जाता है और कहता है, मैंने डोरमामू से बात की और उन्होंने मेरी रक्षा करने और अर्थ को मेरे हवाले करने का विश्वास दिलाया है। तभी काइसिलियस वहाँ धमाका करता है और उन्हीं में से एक गेट से डॉक्टर न्यूयॉर्क के सेंटम सेंटोरम में जाकर गिरते हैं। वहाँ वो देखते हैं एक ग्लास केस में एक दुपट्टा यानी कि सुपर हीरो की ड्रेस रखी हुई थी। तभी वहाँ काइसिलियस भी आ जाता है, क्योंकि उसे डॉक्टर की पावर भी कंज्यूम करनी थी, और वो डॉक्टर को एक पंच मारता है जिस वजह से वो ग्लास केस टूट जाता है और वो ड्रेस बाहर आ जाती है। अब वो ड्रेस ही काइसिलियस को रोकती है डॉक्टर को मारने से, पर जब डॉक्टर सेंटम की सीढ़ियों से नीचे गिरते हैं, वो ड्रेस भी उनके पीछे जाती है, और फिर हमें मिलता है रियल डॉक्टर स्ट्रेंज लुक। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज काफी पावरफुल बन चुके थे, क्योंकि उनमें कुछ तो पावर्स थी, साथ में सूट में भी थी। और अब वो काइसिलियस को अच्छी फाइट देते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। काइसिलियस कहता है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, मैं अगर अपने लीडर को यहाँ ले आया जो कि डोरमामू है, तो वो यहाँ पर रूल करेंगे और फिर यहाँ कोई नहीं मरेगा, क्या तुम ऐसा नहीं चाहते। तब तक काइसिलियस का एक साथी डॉक्टर पर पीछे से हमला कर देता है, जिससे डॉक्टर काफी घायल हो जाते हैं। देन वो पोर्टल क्रिएट कर सीधे डॉक्टर पामल के पास पहुँचते हैं और फिर उनसे अपना ट्रीटमेंट करने को कहते हैं। पामल डॉक्टर को स्ट्रेचर पर लिटाती है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब तक डॉक्टर खुद की सोल को अलग करते हैं और फिर क्रिस्टीन को गाइड करते हैं। क्रिस्टीन डॉक्टर की सोल को देखकर डर जाती है, पर फिर वो डॉक्टर का ट्रीटमेंट करने लगती है। तभी वहाँ काइसिलियस के एक साथी की सोल भी आ जाती है, जो कि डॉक्टर से लड़ने लगती है। इसी दौरान डॉक्टर की डेथ हो जाती है, पर तभी क्रिस्टीन डॉक्टर की बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक देती है। बॉडी को शॉक लगते ही सोल भी चार्ज होती है, और इस वजह से डॉक्टर उसकी सोल को हरा देते हैं। फिर सोल वापस डॉक्टर की बॉडी में आ जाती है और डॉक्टर ठीक होकर वहाँ से चले जाते हैं। तब गुरुमा बताती है, तुम हमारे प्रोटेक्टर हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम सॉसरर सुप्रीम बन सकते हो। डॉक्टर मना करता है और कहता है, मैं तो अब अच्छा डॉक्टर भी नहीं रहा, फिर दुनिया क्या बचाऊंगा। और फिर डॉक्टर मोर्डो के सामने ही गुरुमा से कहते हैं, तुम इतने लंबे अरसे से जी रही हो, तुम्हारी एज नहीं बढ़ती, इसका सीधा सा मतलब है कि तुम भी डार्क डायमेंशन से पावर गेन करती हो। पर गुरुमा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तभी काइसिलियस वहाँ भी आ जाता है। डॉक्टर सोचते हैं कि अगर मैं इस दुनिया को ही मिरर डायमेंशन में कवर कर दूं, तो ये किसी को नुकसान नहीं पहुँच पाएगा। पर अब काइसिलियस काफी पावरफुल हो चुका था और वो मिरर डायमेंशन से भी किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता था, इसलिए डॉक्टर मोर्डो और गुरुमा यानी एशियंट वन मिलकर उसे रोकते हैं। पर इस लड़ाई में गुरुमा काफी घायल हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है।
वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज उनका इलाज करते हैं और तभी वो देखते हैं कि गुरु माँ की सोल उनकी बॉडी को छोड़कर जा रही है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपनी सोल को गुरु माँ के पीछे भेज देते हैं उन्हें रोकने के लिए। तब बाहर गुरु माँ की सोल डॉक्टर स्ट्रेंज की सोल से कहती है, तुम कहते थे ना मैं अमर हूँ, मैं अमर नहीं थी, मैं अपनी दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए डार्क डायमेंशन से पावर लेती थी और हो सकता है जब तुम मेरी जगह पर आओ तुम्हें भी यही करना पड़े। और सच में दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज के सेकंड पार्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज लिटरली डार्क मैजिक यूज करेंगे, देन गुरु माँ की सोल भी चली जाती है। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज जब वापस लाइब्रेरी जाते हैं वहाँ सब कुछ तबाह हो चुका था, कैसेलिए सब कुछ डिस्ट्रॉय कर चुका था और बॉन्ग भी मर चुका था। दूर एक जगह पोर्टल ओपन था जो कि स्पेस तक जा रहा था, जहाँ डोरमामू साफ दिखाई दे रहा था और धीरे धीरे दुनिया नष्ट होती जा रही थी। पर फिर डॉक्टर स्ट्रेंज आई ऑफ एगोमोटो में टाइम स्टोन का यूज कर सब कुछ रिवर्स करते हैं और जिससे वहाँ हुई तबाही पूरी सही होने लगती है। इस वजह से बॉन्ग भी जिंदा हो जाता है और तभी कैसेलियस डॉक्टर को रोकने के लिए एक शॉक वेव प्रोड्यूस करता है जिससे डॉक्टर जमीन पर गिर जाते हैं और जमीन पर गिरने की वजह से टाइम स्टोन में किया गया स्पेल टूट जाता है और टाइम वहीं रुक जाता है। टाइम के रुकने की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को डोरमामू से बात करने का टाइम मिल जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के वहां पहुंचते ही डोरमामू डॉक्टर को मार देता है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर फिर से वहां आ जाते हैं और डोरमामू फिर डॉक्टर को मार देता है। ऐसा बार बार चलता रहता है। तब डोरमामू को लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बार बार हो रहा है। तब डॉक्टर बताते हैं, मैंने यहाँ आने से पहले हम दोनों को टाइम लूप में बांध दिया था, अब जब भी तुम मुझे मारोगे ये लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा, तो या तो तुम यहाँ से चले जाओ या फिर इसी लूप में फंसे रहो। डोरमामू उसकी बात नहीं मानता और फिर से बार बार डॉक्टर को मारता रहता है, लेकिन वो इससे परेशान हो जाता है और फिर वहां से चला जाता है और कैसेलियस को भी अपने साथ ले जाता है, जिससे कैसेलियस हमेशा के लिए अमर तो हो जाता है पर उसे पृथ्वी नसीब नहीं होती और फिर सब सही हो जाता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज भी सॉर्सरर सुप्रीम बन जाते हैं और न्यूयॉर्क की कमान संभालते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाते हैं। फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में तो डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर की कन्वर्सेशन दिखाते हैं जो कि कंटिन्यू हुई थी थॉर रैग्नारोक मूवी में। पर सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाते हैं मोर्डो खुद को लॉस्ट फील करता है, उसकी गुरु डार्क पावर्स यूज करती थी और अब डॉक्टर स्ट्रेंज भी डोरमामू से डील करके आए थे, इसलिए वो अब जाकर मिलता है उसी पैरालाइज पर्सन से और उसकी सारी पावर्स ऑब्जर्व करके उसे फिर से पैरालाइज छोड़ देता है और कहता है, इस दुनिया की खराबी ये है कि यहाँ जरूरत से ज्यादा सॉर्सरर्स हो गए हैं। बस यही ये मूवी खत्म हो जाती है। इस सीन से ऐसा लगता है कि मोल्डो अब गलत रास्ते पर निकल चुका है और हो सकता है नेक्स्ट मूवी में ये विलन हो, पर डॉक्टर स्ट्रेंज के पार्ट 2 के ट्रेलर को देखकर तो ऐसा नहीं लगता और विलन तो कोई और ही है। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आगे आने वाली और भी एक्सप्लेनेशंस आप तक पहुंच सकें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।